So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा. आपको हेडिंग लगाना है फाइलम आर्थ्रोपोडा. चलिए अब इस फाइलम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पूरे एग्जांपल्स को एक बार रिवाइज करते हैं, क्विक रिकैप करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इस चैप्टर से एग्जांपल्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना. चलिए तो ये जस्ट रिवीजन के लिए है, इसको आपको कॉपी में मेंशन नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरे साथ बोलते जाना है. क्लियर? अब दूसरे क्या आते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसका एक और नाम क्या है निडेलिया. क्यों बोलते हैं निडेलिया? क्लियर था. चलिए इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल्स में हाइड्रा, अरंचिया, ओरेलिया, पेनिनसुला, गर्गोनिया, मेड्रीना, ओबेलिया, फाइसिलिया. तो टोटल इसके में एट एग्जांपल्स हैं. कितने एग्जांपल्स हैं? एट. तीन पोरिफेरा के, एट सिलेंट्रेटा के. एक बार और आप मेरे साथ रिपीट करिए, है ना. हाइड्रा, पेनिनसुला, गर्गोनिया, मेड्रीना, फाइसिलिया, ओबेलिया, ओरेलिया एंड अरंशिया. क्लियर? तो एट एग्जांपल्स क्लियर है आपके. चलिए अब आते हैं फाइलम निडेलिया. जब निडेलिया तो हो गया, सिलेंट्रेटा को भी तो निडेलिया बोलते हैं, है ना. ये अलग से फाइलम नहीं है. इसके बाद आते हैं टीनोफोरा. किसके आते हैं? टीनोफोरा. इसके सिर्फ दो एग्जांपल्स थे. कौन कौन से? पहला टीनोप्लेना, दूसरा प्यूरोबेलिया. तो तीन एग्जांपल्स पोरिफेरा के, एक एग्जांपल सिलेंट्रेटा के और तीन एग्जांपल्स टीनोफोरा के. इतनी चीजें आपको क्लियर है, सब कुछ रिपीट कर पा रहे हो, खुद से बोल पा रहे हो, चलिए वेल एंड गुड है. अब आते हैं प्लेटिहेलमिंथस. इसके बाद कौन सा फाइलम आता है? फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटिहेलमिंथस. मैं आपको ऐसे ही कर करके पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद करा दूंगी, फिजियोलॉजी भी याद करा दूंगी, सब कुछ याद करा दूंगी, है ना. इसके बाद आते हैं प्लेटिहेलमिंथस पे. इसके कितने एग्जांपल्स थे प्लेटिहेलमिंथस के? तीन या, है ना. प्लेटिहेलमिंथस के कितने एग्जांपल्स थे? ड्यूगेशिया, तीन या, फेस्टियोला. कितने थे? ड्यूगेशिया, तीन या, फेस्टियोला. तीन एग्जांपल्स थे. क्लियर है यहां तक सब कुछ? चलिए अब आते हैं फिफ्थ. फोर्थ तक हमारा हो चुका है, अब आ जाते हैं फिफ्थ फाइलम, जिसको आप बोलते हो एस्टिहेलमिंथस. क्या बोलते हो? एस्टिहेलमिंथस. इसके कितने एग्जांपल्स थे याद करके एक बार बताओ. तीन एग्जांपल्स थे. कौन कौन से? पहला आता है यहां पे, बताओ मुझे एक बार, एस्केलमिंथस के कितने एग्जांपल्स थे? तीन एग्जांपल्स थे. मैंने आपको बताया था इसमें एस्कैरिस आता है, विचेरिया आता है एंड एनकाइस्टोमा आता है. तीन एग्जांपल्स हो गए, तीन एग्जांपल्स. क्लियर? अब सिक्स्थ पे आते हैं. एस्केलमिंथस के बाद हमने क्या पढ़ा है? एनिलिडा. क्या पढ़ा है? एनिलिड्स, जिसको एनिलिडा फाइलम बोलते हैं. इसमें कितने एग्जांपल्स थे? अगेन इसमें तीन एग्जांपल्स थे. पहला आता है अर्थवॉर्म, दैट इज फैरिटिमा. दूसरा आता है मेरीज, दैट इज शैनवॉर्म. एंड तीसरा आता है ब्लड सकिंग लीच. क्या आता है? ब्लड सकिंग लीच, जिसको आप हिलनोडेरिया बोलते हो. क्लियर हो गया? तो कितने सारे एग्जांपल्स अभी तक हुए कैलकुलेट करो. तीन पोरिफेरा के, एक सिलेंट्रेटा के, टीनोफोरा के तीन एग्जांपल, दो एग्जांपल्स, प्लेटिहेलमिंथस के तीन एग्जांपल्स, एस्टिहेलमिंथस के भी तीन एग्जांपल्स एंड एनिलिडा के तीन एग्जांपल्स. क्लियर है? तो कितने एग्जांपल्स टोटल हो गए बताइए.
दैट इज 22। तो अभी तक हमने 22 एग्जांपल्स ऑन द टिप्स कंप्लीट कर लिया है। इतनी चीजें आपको क्लियर है? क्लियर है ना? है ना? चलिए, तो इतनी चीजें होने के बाद, पूरा रिवाइज करने के बाद, एक बारी हम लोग अब स्टार्ट करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये आपको लिखना नहीं था, सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए इसको पढ़ाया है। अब जैसा कि हम लोग सारे फाइलम्स में करते आ रहे हैं, पहले क्या लिखते हैं? पहले इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, फिर फिजियोलॉजी पे आते हैं, फिर इस डायग्राम्स है तो उसको बनाते हैं, लास्टली एग्जांपल्स के साथ एनसीईआरटी के साथ इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। सेम उसी तरीके से इस फाइल को भी कंटिन्यू करेंगे। पहले आप मुझे बताओ, आर्थ्रोपोड जहां कहीं भी आएगा इसका मतलब क्या होता है? ज्वाइंट क्या होगा? जैसे आर्थराइटिस, आप जब पढ़ोगे बोन्स वाला चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें आप डिसऑर्डर में पढ़ोगे आर्थराइटिस, तो वो जॉइंट्स में प्रॉब्लम के कारण वो बीमारी होता है। तो आर्थ्रो वर्ड कहां से है? जॉइंट से। तो आप इसको लिख सकते हो आर्थ्रो मतलब जॉइंटर, और पोडा का मतलब आपको पता है अपेंडेजेस। क्या होता है अपेंडेजेस? जैसे ह्यूमंस के लिए उनके हाथ क्या है, एक अपेंडेजेस की तरह काम करता है। सेम यहां पे क्या काम करता है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप फाइलम के नाम से इंट्रोडक्शन याद करो, जैसे आर्थ्रो का मतलब जॉइंटर एंड पोडा का मतलब अपेंडिजेस। अब एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, और इससे क्वेश्चन भी आता है, वो क्या लाइन है? इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा, इस फाइलम से बड़ा कोई ऐसा फाइलम ही नहीं है एनिमल किंगडम में। क्लियर हो रही है इतनी चीजें? एक बार मैं कैमरा को देख ले रही हूँ, सही से एडजस्ट हो पा रहा है। इतनी चीजें आपको पता चला, इसके बारे में हमने एक लाइन क्या लिखा, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। क्यों लार्जेस्ट फाइलम बोल रहे हैं? क्योंकि इंसेक्ट्स इसमें आते हैं। क्लियर? ये फाइलम इतना लार्जेस्ट क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट इन दिस फाइलम। आप जहां कहीं भी देखो, आप अपने अगल बगल आकाश पताल इधर कहीं पे भी देखो, आपको इंसेक्ट्स ही इंसेक्ट्स नजर आएंगे। क्लियर? इसी कारण से ये फाइलम बहुत ज्यादा लार्जेस्ट हो जाता है। अगर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम पूछेगा तो इसके जस्ट बाद वाला जो फाइलम हम लोग पढ़ेंगे फाइलम मॉलस्का, वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर पूछा विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, यू विल से फाइलम आर्थ्रोपोडा। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट इन दिस फाइलम। क्या लिखेंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि आपकी एनसीईआरटी एक लाइन और बोलती है कि आप अगर टू थर्ड ऑफ द ओवर टू थर्ड ऑफ द नेम्ड स्पीसीज इन दिस अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। अब इस लाइन का मतलब क्या है? यानी कि जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं उनका अगर टू बाई थर्ड हिस्सा आप निकाल के देखोगे तो वो सारे स्पीसीज इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो रही है चीजें? चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके नोट्स में तो होना चाहिए, है ना? ओवर टू थर्ड ऑफ द नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। अब समझ में आया इन चीजों के बारे में? चलिए अब ये तो बात हो गई हमारी इंट्रोडक्शन की, आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दिया आपको, लेकिन अभी तक हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टार्ट ही नहीं करी है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। आप इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर मैं यहां से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटिन्यू करूंगी जैसा कि हमने
पहले भी फाइनेंस में करते आए हैं, सेम उसी चीज को फॉलो करते जाएंगे। आई होप सो आपने इसको लिख लिया है। चलिए इसको मिटाते हैं, आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहां तक अगर आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो, पूरे लेक्चर्स देखते आ रहे हो, तो आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा खुद से लिख पा रहे होंगे, है ना। मैं बिना हैबिटेट बताए, मैं हैबिटेट को छोड़ दूं तो बाकी जितना भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है आप खुद से लिख पा रहे होंगे, क्योंकि यहां तक अगर आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ आपको पता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चलिए इसको लिखते हैं एक बार, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है, बस हैबिटेट में टाइम लगाएंगे, है ना। तब तक आप खुद से लिखते जाइए, मैं यहां पे लिख रही हूं, तब तक आप खुद से ट्राई करिए, है ना। एक चीजें हमारी क्या छूट रही है आपने, हैबिटेट, सिलोम, सिमेट्री, जॉन्डियर, बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन एंड नोटोपॉड। एक और पॉइंट क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतनी चीजें होती है हर फाइलम के लिए, हम लोग इन्हें यही कवर अप करते आए। चलिए इसके बात करते हैं। हैबिटेट आप मेरे लिए छोड़ दो, बाकी सब चीजें आप मेरे से मैच करो, है ना। आप खुद से पहले लिखो, मैं टाइम दे रही हूँ, आप लिखिए पहले, फिर मेरे से इस चीजों को मैच करिए। आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए सिलोम कैसा होता है, तो ये यू सिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके पास ट्रू सिलोम कैविटी यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। सिमेट्री इनका बाइलेटरल होता है। जॉन लेयर रिप्रोब्लास्टिक है। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब है। अब ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब किसी को नहीं पता है, ब्लाइंड सैक का मतलब नहीं पता है, तो आपको ये फाइलम पहले कंप्लीट करने से पहले आपको बेसिक लेक्चर लगा के आना है, जो कि है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेक्चर नंबर 1 एंड 2। उसको आप कंप्लीट कीजिए, तब फाइलम उस पर पढ़िए, है ना। सेगमेंटेशन यहाँ पे दिखाई देता है, नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं, क्योंकि ये सारे फाइलम्स कैसे हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं। अभी तक हमने जितना भी फाइलम पढ़ा है, हमें कॉर्डेटा तक वो सारे नॉन कॉर्डेट्स मानेंगे, सिर्फ कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेट्स मानेंगे जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो बॉडी है यानी कि बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिविजिबल है। तो क्या लिखेंगे, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब आप यहाँ पे ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो कि यहाँ पे 3 पार्ट में क्यों डिविजिबल है, 5 पार्ट में क्यों नहीं डिविजिबल है। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसे 5 पार्ट क्यों नहीं है, 3 पार्ट क्यों है। तो यहाँ पे जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ याद करते जाना है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, यही चीजों में पाए जाते हैं, तो आपको उसी चीजों को ऑर्डर में याद करते जाना है। यहाँ पे आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट में डाउट है कि सिलोम क्या है, सिमेट्री क्या है, तो वो सही है, लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते कि इनका बॉडी 3 पार्ट में ही क्यों डिविजिबल है। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, तो इनका बॉडी तीन पार्ट्स में डिविजिबल है। पहला आता है हेड, दूसरा आता है थोरैक्स एंड तीसरा आता है एब्डोमेन। तो पहला बॉडी क्या होता है, हेड, दूसरा थोरैक्स एंड तीसरा एब्डोमेन। क्लियर हो रहा है? तो इनके बॉडी पार्ट्स कितने पार्ट्स में डिविजिबल है, बॉडी फॉर्म्स 3 पार्ट्स में। पहला आता है हेड, दूसरा आता है थोरैक्स और तीसरा आता है एब्डोमेन। अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स आपको पढ़ाते हैं तो उसमें आपको ये चीजें जो मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वहां चीज कुछ चीजें आप आगे के लिए भी वेट करो,
सब कुछ समझ में आएगा। आप यहाँ ये चीजों को याद करना है ना कि इनके बॉडी फॉर्म्स जो है वो तीन पार्ट में डिविजिबल है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इतनी चीजें क्लियर है। अब हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा कंप्लीट होता है, अब हम लोग फिजियोलॉजी पे आ जाएंगे। क्लियर? तो आप फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग फिजियोलॉजी पे आते हैं। लेकिन अभी तक हमने हैबिटेट तो लिखा ही नहीं है ना, मेन पॉइंट तो यही है। हैबिटेट इनका एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी कि ये पानी में भी हो सकते हैं और जमीन पे भी हो सकते हैं। अब एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं। मैंने आपको दो तीन फाइलम्स ऐसा पढ़ाऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाएंगे, वो फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक्वाटिक का मतलब क्या है, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मरीन वाटर में भी हो सकते हैं। समझ में आया? यानी कि ये रिवर लेक्स में भी पाए जा सकते हैं और ओशियन सी में भी पाए जा सकते हैं। क्या लिखेंगे? मरीन वॉटर एज वेल एज फ्रेश वॉटर। तो अब तो कोई भी चीजें इनकम्प्लीट नहीं है, हमने सारी चीजें तो बाद में कंप्लीट स्टडी कर ली है। अब आते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। आप फटाफट इसको नोट आउट कीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, फिर आते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए हम फिजियोलॉजी के आते हैं। लगाना है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब यानी कि जैसा हमने प्रीवियस फाइलम्स में कंप्लीट करते आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स तक कंप्लीट करते हैं, उसी टाइप से हम लोग इसमें भी कंप्लीट करेंगे सब कुछ। तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। यहाँ पे मैं आपको एक मिस्टेक भी बताऊंगी, मैंने एनेलिडा पढ़ाते वक्त क्या मैंने मिस्टेक बताई है, यहाँ पे मैं उसका करेक्शन करूंगी। तो अगर आप उस लेक्चर को देखिए वो डाउट हो रहा है कि मैं गलत पढ़ाई तो नहीं, आज के लेक्चर में मैं आपको उसको करेक्ट कर दूंगी। क्लियर? मैंने वैसे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में एड्रेस कर दिया था इस चीज को, बट अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियोलॉजी में पहला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगेन आपको पता है बॉडी प्लान अगर ट्यूब विद इन ट्यूब है तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। दो ओपनिंग, सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगे, है ना? जिसका ब्लाइंड सिंग बॉडी स्ट्रक्चर था, बॉडी प्लान था, उनके में क्या था? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। लेकिन इनके पास क्या है? बॉडी प्लान में ट्यूब विद इन ट्यूब है, इसीलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेशन हो कैसा रहा है? इंट्रासेलुलर हो रहा है कि एक्स्ट्रासेलुलर हो रहा है? तो इनका डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर है। आपको ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स याद ही करनी पड़ेगी, बार बार इसको देखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। तो इनके पास होता है गिल्स। क्या होता है? गिल्स आर प्रेजेंट। अब इसमें आप बात कर सकते हो तो कुछ के पास, कुछ इंसेक्ट्स के पास ट्रेकियल सिस्टम भी होता है। क्या होता है? ट्रेकियल सिस्टम मोस्टली इंसेक्ट्स बुक गिल्स, बुक लंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब कई स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रेकिया सिस्टम, अगर आपको नहीं पता है ट्रेकिया क्या होता है, तो ये जस्ट अब जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, है ना? लेकिन बुक गिल्स, बुक लंग्स क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे मान लो ये आपका किताब खुला हुआ है, हमेशा किताब तो खोल के रखते हो, पढ़ना ना पढ़ना तो बात की बात है ना। तो किताब आपका खुला हुआ है, अब दो किताब, अगर एक किताब को आप हाफ हाफ करके ऐसे खोलते हो तो कैसा दिखाई देता है? वैसा ही सेम आप इमेजिन करो बुक गिल्स।
की तरह ओपन है और यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बुक गिल्स। किताब को इमेजिन करके इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब बुक लंग्स क्या होता है, तो बुक गिल्स जो था उसके मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, बुक लंग्स बनता है। क्या लिखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ बुक गिल्स। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने एनिलिडा जो फाइलम पढ़ा था उसके में रेस्पिरेशन के लिए क्या था, उनके पास थिक क्यूटिकल प्रेजेंट था, क्यूटेनस रेस्पिरेशन हुआ था, उनके पास लोकोमोटर स्ट्रक्चर भी था, एक्वेटिक के लिए क्या था, टेरेस्ट्रियल के लिए क्या था, सीटे किसमें था, ये सारी चीजें तो आपको याद होगी, क्लियर होगा है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में यहीं पे मैं आपको बताती हूँ कि एनिलिडा में आपको क्या करेक्शन करना है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मैंने आपको जब मैं बेसिक पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये ट्रिक बताया था, हेड एट बताया था मैंने आपको, है ना, सबको ये चीजें आपको पता होगी अगर आप नया फर्स्ट लेक्चर लगाए हो तो। अब देखो मैंने एनिलिडा में क्या चीजें बता दी है, यहाँ पे ये जो था ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ट्रिक बनाया था लेकिन बाय मिस्टेक मैंने एनिलिडा जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें आपको ए का मतलब एनिलिडा बता दिया था, लेकिन अगर बेसिक लेक्चर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ए का मतलब मैंने आर्थ्रोपोडा बताया है, तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम का कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कैसा सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो ब्लड है ब्लड का कलर कलरलेस है, यानी कि कोई कलर नहीं है ब्लड का, हमारे पास ब्लड का कलर रेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो कि रेड पिगमेंट होता है, हमारे ब्लड को रेड कलर दे देता है। लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है तो इनका ब्लड का कलर क्या है, ब्लड इज कलरलेस। ब्लड का कलर क्या है, कलरलेस। आप जब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ोगे ब्रीदिंग के जस्ट बाद वाला चैप्टर, तो उसमें आप पढ़ोगे लिम्फ, सारा ब्लड से ही फिल्टर आउट होके लिम्फ बनता है और भी जितने भी फ्लूइड्स है बॉडी में, ब्लड से ही फिल्टर आउट होके बाकी चीजें बनती है ना। तो इनका जो ब्लड है वो कलरलेस है, इसको बोलते हो आप हीमोलिम्फ। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से आप क्या समझते हो, इनके पास कोई पाइप नहीं है कि बॉडी पाइप में, बॉडी के अंदर पाइप है और उससे ब्लड ट्रैवल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्लो कर रहा है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। इनके पास ओपन स्पेस है जिसको आप साइनस बोलते हो, उसी में ब्लड रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा दिखाई देता है कि ऑर्गन जो है वो ब्लड में बाथ ले रहे हो ना, ब्लड एक मान लो स्विमिंग पूल और ऑर्गन क्या है उसके अंदर इंसान है, तो वैसा ही सेम आपको इमेजिन करना है यहाँ पे। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड कलरलेस है जिसको आप हीमोलिम्फ बोलते हो, एंड इट इज यहाँ पे साइनस के अंदर वो फ्लो करते हैं, ओपन स्पेस के अंदर फ्लो करते हैं, जिसको आप बोलते हो हीमोसील। ये जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो आपको एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, उस चीज को मैं आपको बता दूंगी, क्लियर हो गया। चलिए एक्सक्रीशन इनका कैसे होता है, एक्सक्रीशन यहाँ मालपीनियर ट्यूब्स के थ्रू होता है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि मालपीनियर ट्यूब्स होता क्या है, आपको यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीजें याद करनी है कि मालपीनियर ट्यूब्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है ना। ज्यादा इसके बारे में डिटेल स्टडी यहाँ नहीं करना है, जब आप एनिमल टिश्यू पढ़ोगे कॉकरोच वहां पे आएगा उसमें आप इस चीज को डिटेल में स्टडी करोगे, क्लियर, इसके बॉडी फॉर्म्स को, इसके एक्सक्रीशन के लिए क्या चीजें हैं, सब कुछ वहां पे डिटेल में समझना है। आप तब तक इसको नोट आउट करिए, मैं सारी हो जाती हूँ, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप सो आपका यहां तक चीजें कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स पे। अब यहां पे आपको पहली बारी कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, आपको ये भी चीजें याद करना है।
पूरा टेबल बनवा दूंगी ताकि आप लास्ट टाइम पे इसको रिवाइज कर सको, है ना। पूरा मैं एक चार्ट बना दूंगी एग्जांपल्स का, उससे भी आपको हेल्प हो सकता है। क्लियर? तो वो सारी चीजें मैं करूंगी, आपको बस रिवाइज थोड़ा सा करते रहना है और एनसीईआरटी के रीडिंग भी लगाते रहना है। अब आते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स। यहां पे आपको देखने को मिलेगा सेंसरी स्ट्रक्चर्स। अब सेंसरी स्ट्रक्चर में क्या आएगा? हमारे सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं आपको पता है, पांच सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी यहाँ पे दी गई है, एनसीईआरटी ने जो बताया है मैं उसके बारे में बताती हूँ। कंपाउंड आई क्या होते हैं? कंपाउंड आई आर फंक्शनल, यानी कि इनके पास दोनों तरीके का आई होता है, कंपाउंड आई एंड सिंपल आई। लेकिन जो फंक्शनल होता है वो कंपाउंड आई है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में लिखूंगी कि कंपाउंड आई यहाँ पे प्रेजेंट है और वो फंक्शनल है। इसके बाद इनके पास होता है एंटीने। जब आप कॉकरोच को देखते हो तो उनके पास देखते हो, जब आप उसको मार देते हो कॉकरोच को, तो उसके पास देखते हो एंटीने प्रेजेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो उस चीज को भी लिखेंगे कि इनके पास एंटीने भी प्रेजेंट होता है। तीसरी चीज स्टैटोसिस्ट, ये प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट फॉर बैलेंसिंग। ये क्यों प्रेजेंट होता है? बैलेंस करने के लिए बॉडी को स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। तो अभी तक हमने कितनी चीजों के बारे में बात करा? हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक फिजियोलॉजी में पांच कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। रेस्पिरेशन के लिए क्या था? तो इनके पास प्रेजेंट था ट्रेकियल सिस्टम, बुक गिल्स, बुक लंग्स। बुक लंग्स क्या होता है? बुक गिल्स के मॉडिफिकेशन से बनता है बुक लंग्स। सर्कुलेशन के लिए हमने क्या पढ़ा? तो इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको आप बोलते हो हीमोलिम्फ। उसके बाद मैंने बताया एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, तो एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होता है मालपिगियन ट्यूब्स। उसके बाद मैंने बताया सेंसरी स्ट्रक्चर के लिए क्या प्रेजेंट होता है, तो इनके पास दोनों तरीके की आई हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड आई जो है वो फंक्शनल होता है। अब उसके बाद और क्या प्रेजेंट होता है, तो और इनके पास एंटीने प्रेजेंट होता है और स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जो कि इनके बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। यहां तक चीजें एकदम सही चल रही है, सब कुछ याद भी हो रहा है आपको, चलिए। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल है तो डायगोशियस भी होंगे, है ना। तो ये कैसे होते हैं? मोस्टली यूनिसेक्सुअल, दैट इज डायगोशियस। अगर बाइसेक्सुअल होते तो मोनोशियस होते, लेकिन यूनिसेक्सुअल है यानी कि डायोशियस है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। इनका इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं कि डेवलपमेंट कैसा है इनका, बॉडी जो है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आते हैं वो डेवलप कैसे करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। इनका डेवलपमेंट जो है ये बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां पे ओविपेरस जैसी चीजें देखी जाती है, यानी कि मोस्टली जो होते हैं वो ओविपेरस एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? ओविपेरस। अब कई स्टूडेंट्स को ओविपेरस विविपेरस का डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा, बहुत चीजें डाउट रह जाती है। मैं सब कुछ को एड्रेस करते चल रही हूँ ना, ताकि आपको कोई भी चीजें लगे ना कि हाँ ये चीजें छूट रही है या हमें डाउट है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। डेवलपमेंट कैसा है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, यानी कि ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं, बर्थ दे सकते हैं, और ये लार्वा स्टेज से बिलोंग करके भी ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर है? सब कुछ क्लियर है, चलिए। तो यहां तक आप चीजों को लिखिए, उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स पे आएंगे, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर अप कर लिया है।
अब सिर्फ एग्जांपल्स बचता है और कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स अगर बच जाएंगे एनसीईआरटी के तो मैं वो भी कवर अप कराते चलूंगी। अब आपको क्या करना है, एग्जांपल्स में एनसीईआरटी के साथ ही आपको लिखवा दूंगी जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर एक दो पॉइंट्स आएंगे उसको भी मैं एनसीईआरटी के साथ कवर अप करते चलूंगी। क्लियर? अब सिर्फ और सिर्फ हमारा एग्जांपल्स बच जाता है और एग्जांपल्स भी आपको इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है उसके बारे में पहले एग्जांपल्स याद करना है, फिर जो वेक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं उनके बारे में लिखना है, फिर जो अटैक करते हैं ग्रुप में उसके बारे में अलग से लिखना है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं पॉइंट वाइज आपको बनवा के अभी लिखवा दूंगी, है ना। तो पहले इसको मिटाते हैं फिर एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जांपल्स को लिखते हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनियस होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। तो आप इस पॉइंट को भी ऐड ऑन कर सकते हो कि दे हैव एन एक्सोस्केलेटन, दे आर मेड अप ऑफ थिक काइटिनियस लेयर जिसको कार्बोहाइड्रेट से बोलते हो, है ना। तो उस चीज को भी आप लिख सकते हो। चलिए अब पहले आप मेरे साथ एनसीईआरटी कवर अप करते चलोगे, फिर हम लोग एग्जांपल्स पे आएंगे। तो पेज नंबर 53 निकालना है ओल्ड एनसीईआरटी बुक। चलिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया व्हिच इंक्लूड इंसेक्ट किंगडम एनिमल्स, यानी कि एनिमेलिया किंगडम का ये सबसे बड़ा फाइलम है क्योंकि इनके पास भरपूर इंसेक्ट है। आप जहां देखो इंसेक्ट से इंसेक्ट नजर आते हैं, आप पेड़ पे देखो, नीचे देखो, इधर देखो, उधर देखो, सब जगह इंसेक्ट्स नजर आते हैं। यही चीज है इसको लार्जेस्ट फाइलम के अंदर डाल देता है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एमसीक्यू में 2/3, 5/3, 6/3 ऐसे करके एमसीक्यू फ्रेम किए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये लाइन को आपको नोट्स में ऐड ऑन कराया है ना। इसके बाद है दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, इनका सिमेट्री कैसा है, बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल एक्सिस होगी और इससे इनके बॉडी पार्ट्स दो इक्वल डिवीजन में बट जाएंगे, है ना। उसके बाद है ये सिलोम कैसे है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, और जॉब लेयर्स कैसा है, तो तीनों जॉब लेयर्स प्रेजेंट है जो कि इसीलिए ये ट्रिप्लोडास्टिक कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मैं यही पॉइंट अभी आपको बताई हूँ कि इनका जो बॉडी है वो काइटिनस से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको आप बोलते हो, उनका जो एक्सोस्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ काइटिनस। The body consists of head, thoracic and abdomen. मैंने आपको बताया है कि body head, thoracic and abdomen से बना हुआ होता है। They have jointed appendages. Arthros मतलब joint and poda मतलब appendages. इसीलिए इस phylum का नाम क्या पड़ा है? Arthropoda, jointed appendages. Respiratory organs are gills, book gills, book lungs or tracheal system. मैंने आपको ये अच्छे से क्लियर कराया है कि रेस्पायरेशन के लिए इनके पास लंग्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रेकियल सिस्टम होते हैं। उसके बाद आते हैं सर्कुलेशन के लिए इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्यों है, कैसे है, सब कुछ आपको क्लियर है। सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे पहली बार ही देखने को मिलता है, इनके पास एंटीने प्रेजेंट होता है, आईज में कंपाउंड और सिंपल दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन फंक्शनल कौन सा है, कंपाउंड आई फंक्शनल है। इसके बाद आते हैं स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनके बॉडी को बैलेंसिंग में हेल्प करता है। अब एक चीज से आप कंफ्यूज मत होना कि स्टेटोसाइट और स्टेटोसिस्ट यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, तो आपके ऑप्शन में कंफ्यूजन के लिए स्टेटोसाइट लिखा हुआ हो सकता है, स्टेटोसिस्ट लिखा हुआ हो सकता है। तो यहां पे आप क्या बात करोगे, स्टेटोसिस्ट, साइट मतलब सेल्स होता है लेकिन बैलेंसिंग के लिए यहां पे प्रेजेंट होता है स्टेटोसिस्ट। क्लियर है ये चीजें। चलिए
इसके बाद आते हैं एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। दे आर मोस्टली डायोशियस, यानी कि रिप्रोडक्शन का यूनिसेक्सुअल डायोशियस। इसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ओविपेरस होते हैं, दे आर मोस्टली ओविपेरस, यानी कि दे आर एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग क्या है? विविपेरस है, वी आर विविपेरस। वी डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस। मैमल्स आर विविपेरस, बट ये जो आर्थ्रोपोड होते हैं दे आर ओविपेरस, यानी कि दे आर मोस्टली ओविपेरस, यानी कि एग लेइंग होते हैं ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद आते हैं डेवलपमेंट। दोनों तरीके से हो सकते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट। इनका कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कि पार्टिकुलर डायरेक्टली होंगे या इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से हो सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं एग्जांपल्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इस फाइलम में। सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। आप पहले यहाँ पे डायग्राम्स को देख लो, क्योंकि डायग्राम से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है ये लोकस्ट का दिया हुआ है, सेकेंड बटरफ्लाई, थर्ड स्कॉर्पियन एंड फोर्थ प्रॉन। लेकिन आप एग्जांपल्स में देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी बटरफ्लाई, प्रॉन्स, स्कॉर्पियन नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे डायग्राम्स किस चीज का है? स्कॉर्पियन, प्रॉन्स, ये सब का डायग्राम है ना। तो हम लोग एग्जांपल्स में इन सब चीजों को भी ऐड करेंगे, ताकि आप ढूंढो मत। ये भी आपके एग्जांपल्स ही पार्ट है, यहीं पे लिखना है आपको, है ना। तो आप हेडिंग लगाओगे एग्जांपल्स। अब जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आपको चीजें लिखने जाना है ना, लिखते जाना है। पहले आपको हेडिंग लगाना है यहाँ पे, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। क्या लिखना है? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। इसमें फर्स्ट लिखना है एपिस, यानी कि जिसका ये साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम हनी। अब ये क्या करता है, इसका क्या काम है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये बी वैक्स प्रोड्यूस करता है, हनी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है ना। इन चीजों का आप चाहो तो यूजर्स लिख सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है। तो मैं एक बार यूजेस आपको बस बता देती हूँ, लेकिन लिखना सिर्फ एग्जाम्पल्स है। पहला क्या है? एपिस, जिसको आप हनी भी बोलते हो। इसका क्या काम है? तो इसके हनी या बी वैक्स को आप यूज करते हो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, जैसे मेकअप वगैरह में आप इसको यूज करते हो। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है बॉम्बेक्स, जिसको आप सिल्क बोलते हो। सिल्क वॉर्म क्या होता है? सिल्क वॉर्म, ये क्या बनाता है? सिल्क। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सिल्क, सिल्क की साड़ियां होती है, सिल्क का बैग होता है, बहुत कुछ होता है सिल्क का। तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ पा रहे हो, है ना। आजकल मेकअप चीजों का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है, तो इस चीज का आप देखो कि एपिस जो इंसेक्ट है इसका कितना ज्यादा रोल प्ले कर रहा है इस चीजों में, है ना। इसके बाद थर्ड एग्जांपल आपका आता है लेजी फॉर, जिसको आप लेग इंसेक्ट बोलते हो। इसका क्या काम आता है? तो ये बैंगल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो ये कहां पे यूज किया जाता है? बैंगल इंडस्ट्री। तो आपको ऐसे ही लिखते जाना है, जैसे पहले आप लिखोगे टॉपिक में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इसमें एपिस दैट इज हनी बी, यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंस चाहो तो लिख सकते हो। बॉम्बेक्स, जिसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं, वो सिल्क प्रोड्यूस करता है। लेसीफॉर, जिसको लेस इंसेक्ट बोलते हैं, ये बैंगल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो यहां तक तो चीजें हमारी सही चल रही है, सबको सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स पे। ये तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर वाला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, अब दूसरे पे आते हैं वेक्टर्स। अब पहले आप मुझे ये बताओ वेक्टर्स क्या होते हैं? ये होते हैं मॉलिक्यूलर व्हीकल, यानी कि आप जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए आप बस या कार किसी चीज का हेल्प लेते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, जस्ट लाइक दैट वेक्टर क्या होता है? एक पैथोजन को दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए, दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये वेक्टर जो है ये व्हीकल की तरह काम करता है। सबको क्लियर हो गया वेक्टर क्या होता है, अब किसी को परेशानी नहीं है, है ना। अब इसका एग्जांपल क्या दिया गया है? एनोफिलीज मॉस्किटो। अब आप तो जानते हो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या कॉज करता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो
इट कॉजेस मलेरिया. क्या कॉज करता है? मलेरिया. अब ये साइन किस चीज का है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि ये प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है. ये फीमेल को डिनोट करता है और मेल रिप्रोडक्शन के लिए आप ऐसा यूज करते हो, है ना. लेकिन मेल जो मॉस्किटो है वो कुछ कॉज नहीं करता, सिर्फ फीमेल कॉज करती है. फीमेल एडीज मॉस्किटो क्या कॉज करती है? डेंगू, चिकनगुनिया. अभी आप मत जानो, ये नहीं जानने पर फोकस करोगे कि ये पॉजिटिविज्म क्या है, सिम्टम्स क्या है. ये चीजें आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, ये क्लास 12th का टॉपिक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का टॉपिक है ना. तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो, इसका आपको जरूर से ये सारी चीजें याद रखना है कि क्या कॉज करता है. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो डेंगू चिकनगुनिया कॉज करता है. और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हर जगह फीमेल मॉस्किटो क्यों कॉज करता है. यानी कि आप यहाँ पे ये भी बोल रही हो कि फीमेल मॉस्किटो ही मलेरिया कॉज कर रहा है, फीमेल मॉस्किटो ही डेंगू कॉज कर रहा है, चिकनगुनिया कॉज कर रहा है, ऐसा क्यों? मेल मॉस्किटो पर क्या करते हैं? देखो यहाँ पे फीमेल का मैंने इसीलिए नाम दिया है क्योंकि मेल के पास शार्प माउथ प्रेजेंट नहीं होता है. फीमेल मॉस्किटो के पास क्या होता है? शार्प माउथ प्रेजेंट होता है, इसीलिए पॉजिटिव एजेंट पे फीमेल मॉस्किटो भी कॉज करती है. फीमेल मॉस्किटो क्या करती है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की प्लास्मोडियम रिलीज कर देती है जिससे कि आपको मलेरिया हो जाता है. तो यहाँ सब चीजें हमारी सही चल रही है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल्स, है ना. चलिए अब बात करते हैं लास्ट जो आता है, थर्ड वन, लिविंग फॉसिल. एक और इसके बाद लिविंग फॉसिल में आता है लिन्यूल्स, जिसको आप किंग क्रैब भी बोलते हो. अब मैं इसको लिविंग फॉसिल क्यों बोल रही हूं? क्योंकि यहां इतने सालों से इवोल्यूशन का पीरियड आया, कितने बिलियन ईयर्स से आ रहा है, मिलियन ईयर्स हो गया, लेकिन ये ऐसा इंसेक्ट है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आया इतने पीरियड ऑफ टाइम के आने तक, है ना. यहाँ पे लोग 2-3 महीने में चेंज जरूर हो जाते हैं, लेकिन ये इंसेक्ट जो है ये ना जाने कितने हजारों साल से ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? लिविंग फॉसिल पड़ता है. अब सबको क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलिए अब लास्ट आता है, दैट इज ग्रीगेरस पेस्ट. इसमें आता है लोकस्टा, जिसको आप लोकस्ट भी बोलते हो. ये क्रॉप को हार्म पहुंचाता है, ये ग्रुप में आके अटैक करता है. ये जो पेस्ट है ये दे अटैक इन द ग्रुप एंड दे हार्म द क्रॉप्स. इतनी चीजें इसके बारे में दी गई है. तो हमारा आर्थ्रोपोडा पूरा एनसीईआरटी से नोट्स सब कुछ आपका कंप्लीट होता है. आई होप आपको कुछ चीजें याद भी हो गई होगी क्लास में. अगर आपको याद नहीं हो रहा है अभी तो आप एक दो बार इसको रीड आउट करोगे तो खुद से याद होने लगेगा. अब मेरे साथ आप क्या करोगे, एक बारी एग्जांपल्स को याद करोगे, है ना. पहले मैंने क्या बताया, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इंसेक्ट. इसमें फर्स्ट क्या था? एपीस, जिसको हनी भी बोलते हो. वो क्या प्रोड्यूस करता है? हनी देता है, बी वैक्स देता है, जिससे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, है ना. दूसरा मैंने बताया बॉम्बेक्स. बॉम्बेक्स क्या, किस, इसका कॉमन नेम क्या है? सिल्क वॉर्म, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? सिल्क प्रोड्यूस करता है. थर्ड में क्या था? लेसीफर. ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये बैंगल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसका लैग इंसेक्ट नाम होता है कॉमन नेम, और ये बैंगल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके बाद हम लोग वेक्टर्स पे आए. वेक्टर्स में दो पढ़ा हुए, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो प्लास्मोडियम डालता है, और वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है मलेरिया. फीमेल एडीज मॉस्किटो क्या कॉज करता है? डेंगू कॉज करता है, और चिकनगुनिया कॉज करता है, है ना. अगर मान लो फीमेल एडीज मॉस्किटो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी कि डेंगू आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, तो आपकी डेथ भी हो सकती है, है ना. चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिविंग फॉसिल का. इसमें एक एग्जांपल था लिन्यूल्स, जिसको आप किंग क्रैब बोलते हो. लास्ट मैंने बताया आपको ग्रीगेरस पेस्ट, जिसमें आता है लोकस्टा, जिसको लोकस्ट भी बोलते हो. ये एक तरह का ये अटैक करता है ग्रुप में और क्रॉप्स को बहुत
इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा बर्बाद कर देता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। आपको अब तक क्या करना है, लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनना है, रिवाइज करना है और एनसीईआरटी को कम से कम 2-3 बारी रीड करना है, एक एक वर्ड को समझना है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग आएंगे फाइनल मोलस्का में।